अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सुमैया। आज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 6, 7 एंड 8। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर ए में आपको यहाँ पे 6,920,110 इज़ मोर देन 6,900,000। कह रहे हैं कि ये जो है वो 6,900,000 जो है वो 6,920,110 से कितना जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, इट्स मीन आप यहाँ पर माइनस करेंगे। नंबर बी में आपको यहाँ पे गिवन है सम ऑफ, आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सम का मतलब होता है कि ऐड करना। तो यहाँ पर आप इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। नंबर सी में आपको ये नंबर गिवन है और आपको ये नंबर भी गिवन है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है यानी 5,874,813 वो कितना जो है वो ज़्यादा है 5,774,813 से, तो आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर डी में आपको ये दो नंबर गिवन है टुगेदर मैक, कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। नंबर ई डिफरेंस मींस आपको इसमें माइनस करना है, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप ट्रू लिखें, अदरवाइज आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर ए, इफ़ वन इज़ एडिड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इट मैक्स स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, कह रहे हैं अगर आप 1 को ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में तो क्या आपका आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है। तो हमारा आंसर स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है, इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिखा। नंबर बी, 500,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको ये वैल्यू गिवन है 600,500,000, इसमें से आपको 500,000 सब्ट्रैक्ट करने, तो क्या आपका आंसर ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आपने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। इसके बाद नंबर सी में आपको ये 750,000 दिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या ये 500,000 में 25,000 ऐड करने से ये आंसर आपका बन रहा है। आपका आंसर ये नहीं बन रहा तो आप फॉल्स लिखें। नंबर डी, द डिफरेंस ऑफ, आपको ये दो नंबर दिए गए हैं कि ये दोनों नंबर का अगर हम डिफरेंस मालूम करते हैं तो क्या आपका आंसर ये है, आंसर ये नहीं था, इसलिए हमने यहाँ फॉल्स लिखा। आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अपनी रफ वर्क कॉपी में इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। नंबर ई में आपको ये गिवन है और ये कह रहे हैं कि सम ऑफ यानी कि इन दोनों को ऐड करने से ये आंसर आया है, तो इन दोनों को ऐड करने से यही आंसर है, तो आंसर जो है वो आपका ट्रू है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट आंसर हो। नंबर ए, द नंबर विच इज़ 50,000 मोर देन, आप इस वैल्यू में अगर 50,000 मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, अगर आप वो ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या है, जो आंसर हो आपका आप उस पर टिक मार्क करेंगे। नंबर बी, द नंबर विच इज़ 2,000 लेस देन, आपको ये वैल्यू गिवन है, इसमें से आपको 2,000 लेस देन का मतलब होता है माइनस, तो आप माइनस करेंगे यहाँ पर। नंबर सी में ये नंबर आपको गिवन है, इसमें से आपको ये वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो क्या आपका रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है। नंबर डी, इन दोनों वैल्यूज़ अगर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हैं। नंबर ई, इफ़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, कह रहे हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 7 डिजिट में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें तो आपका आंसर क्या है। अब हम पेज नंबर 7 पर आते हैं। पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 4, एट द गिवन नंबर, आपको ये सम्स दिए गए हैं एडिशन के, इसे आपने सॉल्व करना है। नंबर बी वाले सम्स को अगर आप देखें, वन हम एडिशन हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। 1 में 5 ऐड करें 6, 3 में 2 ऐड करें 5, 2 में 3 ऐड करें 5, यहाँ पर 2 में 3 ऐड करने से 5 आएगा, ठीक है। देन 9 में 4 ऐड करें 13, 13 का 1 ऊपर कैरी दे देंगे। 6 में 9 ऐड करें 15, 15 में 1 ऐड करें 16, 16 का कैरी ऊपर दे देंगे। इस तरीके से 5 में 6 प्लस करें 11, इसी तरीके से यहाँ पर आप 6 में 9 ऐड करते हैं तो आपके 15 आता है, 1 ऐड करेंगे तो 16, 5 में 6 ऐड करें 11 और 1 आप कैरी का ऐड करेंगे 12, देन 3 में 5 प्लस करें 8, 8 में 1 प्लस करें 9 एंड देन 2।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, राइट वर्टिकली हैंडेड। आपको ये क्वेश्चन जो है वो सारे एडिशन के गिवन हैं, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया गया, आपको उसको वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व करना। आप इसको वर्टिकल फॉर्म में इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले आप इसका सम्स बना लेंगे। अब आपको यहाँ पर भी राइट हैंड साइड से एडिशन स्टार्ट लेना है। 1 में 5 ऐड करें 6, 2 में 6 ऐड करें 8, 1 में 5 ऐड करें 6, 4 में 3 ऐड करें 7, 6 में 7 ऐड करें 13, 13 का 1 ऊपर आप कैरी देंगे, 5 में 4 ऐड करें 9, 9 में कैरी का 1 ऐड करें 10, 10 का 1 आप ऊपर कैरी दे देंगे, देन 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 1 ऐड करें 6। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट द नंबर विच इज़। आपको यहाँ पे मोर देन के सारे क्वेश्चन दिए गए। मोर देन का मतलब होता है ऐड करना। आपको ये जो वैल्यू गिवन है 20,045,624, इसमें आपको 5,000 ऐड करने हैं। इसके बाद आप इसे इस तरह लिखेंगे, इस तरह आपने सम्स बनाने के बाद ऐड करना है। 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 6 में 0 ऐड करें 6, 5 में 5 ऐड करें 10, 10 का 1 ऊपर आप कैरी दे देंगे, 4 में 1 ऐड करें 5, 0 का 0, 0 एंड देन यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्शन के हैं, आपको सॉल्व करना है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं। 9 में अगर आप 2 माइनस करें तो 7, फिर 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते तो आपने बोरो करना है। बोरो किया, 3 को आपने 2 कर दिया, 2 और यहाँ पर हमने 1 यहाँ पर दे दिया तो ये 1, 2, 12 हो गया। 12 में 4 माइनस करें 8, 2 में 1 आप माइनस कर रहे तो 1 यहाँ पे 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। अगेन हम बोरो करेंगे 4 से, जब हमने 4 से बोरो किया वो 3 हो गया, यहाँ पे 1 दिया ये 17, 17 में से 8 माइनस करें 9, 3 में से 3 माइनस करें 0, 6 में से 5 माइनस करें 1, 5 में से 4 माइनस करें 1 एंड 4 में से 1 माइनस करें तो 3। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व दिस सम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, ए और बी, आपको इसे सॉल्व करना है इंटरनेशनल सिस्टम के। आपको नंबर ए में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में से आपको माइनस करने हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आप चेक कर लें ये हमारे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 5 डिजिट नंबर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप इसे माइनस कर लें क्योंकि इसमें डिफरेंस है तो इसलिए माइनस करें। नंबर बी में है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 8 डिजिट में से आप 6 डिजिट नंबर माइनस करेंगे, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट में से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट को माइनस करेंगे। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम 10s के कॉलम में जाएंगे, वहाँ पर भी 0 है, वो हेल्प वहाँ से हेल्प नहीं हो रही तो हम 100 के कॉलम में जाएंगे। इस तरह करते हुए हम यहाँ पर 1 के पास आए, यहाँ से हमने बोरो किया, ये 0 में कन्वर्ट हो गया 1, यहाँ पे हमने 10 दिया, अगेन ये यहाँ से 9 हो गया, देन 1 यहाँ दिया 9, अगेन 9, 9, इस तरह यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। 10 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 माइनस करें 0, अगेन 0, 0, 0 एंड देन 9। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। आपको ये वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है। आप चेक करें यहाँ पर ये क्वेश्चन को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा, 9 में से 3 माइनस करें 6, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, हम बोरो करेंगे, ये 4 में कन्वर्ट होगा, ये 16 होगा, 16 में से 9 माइनस करें 7, 4 में से 2 माइनस करें 2, अगेन यहाँ पर ये 11, ये 1 है, 1 में से माइनस नहीं हो सकते 9, तो हमने 3 को 2 किया, हमने इससे बोरो लिया 1, 11 में से 9 माइनस किए 2, 2 में से 2 माइनस करें 0, 12, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, हमने 5 से बोरो किया वो 4 हो गया, या हमने 1 लिखा, 1, 2, 12 हो गया, 12 में से 8 माइनस करें 4, देन 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, हमने 8 से बोरो लिया, यहाँ 7 यहाँ किया, यहाँ पे 1 आ गया 1, 4, 14, 14 में से 6 माइनस करें 8, 7 में से 1 माइनस करें 6। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द टेबल केयरफुली देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको ये टेबल गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 217 सेंसेस। आपको कराची की पॉपुलेशन गिवन है, लाहौर की, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर एंड क्वेटा की। कराची की पॉपुलेशन है 14,910,342, इसी तरीके से लाहौर की है 11,126,285,
ये सारी आपको गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हाउ मेनी मोर पीपल लीव इन कराची कराची देन इन रावलपिंडी। कह रहे हैं कराची में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं रावलपिंडी से, तो कराची की पॉपुलेशन और रावलपिंडी की पॉपुलेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर हमने इसे इस तरह सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो कराची की पॉपुलेशन लिखी, कराची की पॉपुलेशन हमने लिखी 14,910,352 माइनस 2,098,231। आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने मोर पीपल्स जो हैं वो कराची में हैं। इसके बाद हम नंबर बी पर आते हैं कि आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ दी मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स। यहाँ पर जो है फैसलाबाद के बाद जो है वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो जब हमने इस टेबल में जो हमें गिवन है जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे इसके रावल फैसलाबाद के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो फैसलाबाद के बाद लाहौर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाहौर की पॉपुलेशन लिख दी हमने यहाँ पर। और फिर हमें आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल ऑल टुगेदर लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद, यानी कि लाहौर में और फैसलाबाद में टोटल कितने लोग जो है वो रहते हैं, तो हमने उन दोनों को ऐड किया और यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से नंबर सी में व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी, लाहौर और रावलपिंडी की टोटल पॉपुलेशन क्या, उसके लिए आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं, विच सिटी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब सबसे कम जो है वो किस सिटी के मतलब पीपल्स हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू टेबल हमने देखा तो वहाँ पर हमारे पास क्वेटा के हैं। और कह रहे हैं कि अब यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटी एंड फैसलाबाद, कह रहे हैं फैसलाबाद और क्वेटा की पॉपुलेशन का डिफरेंस मालूम करना है, मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। अब नंबर ई पर अगर हम आते हैं, नंबर ई क्वेश्चन पर, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ पिशावर इज़ एडिड टू डेट ऑफ क्वेटा हाउ मैनी पीपल्स आर देयर ऑल टुगेदर, कह रहे हमें पिशावर और क्वेटा की पॉपुलेशन को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितने पीपल्स हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे।